हेलो हाय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल जीएस स्टडी में। और मैं यस दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नदी जल विवाद। ठीक है दोस्तों, तो आज हम नदी जल विवाद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आए दिन एग्ज़ाम में इससे एक न दो क्वेश्चन जरूर उठते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो कृष्णा नदी का होगा। ठीक है, तो कृष्णा नदी में हम देखेंगे, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है दोस्तों, तीन राज्यों में बहती है, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। और दोस्तों ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और दोस्तों इसके नदी के विवाद को निपटाने के लिए 1969 में बच्छावत न्यायाधिकरण का गठन हुआ, जिसने 1976 में अपना निर्णय दिया। ठीक है दोस्तों, निर्णय इसने यह दिया कि जो कृष्णा नदी है उसका जो जल बंटवारा को लेकर था ना, तो एक समझौता हुआ कि कुछ अंश इन राज्यों को दिया जाएगा तो कुछ अंश इन राज्यों को दिया जाएगा, पर स्थिति बिगड़ती चली गई। जो आपका कर्नाटक राज्य है वो कुछ ज़्यादा अंश ले लेता है, आंध्र प्रदेश औसत से ज़्यादा ले लेता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं और राज्यों को इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे यह विवाद बढ़ता चला जाता है और आज भी है। तो अब हम बात करेंगे सोन नदी की। ठीक है दोस्तों, सोन नदी, दोस्तों सोन नदी जल विवाद तीन राज्यों आपका है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है व मध्य प्रदेश के बीच में है। ठीक है, 1973 में ही सोन व रिहंद नदियों के जल विवाद के हल के लिए बाण सागर समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, इन नदियों को विवाद के लिए मतलब इनसे कैसे बचा जाए, इनके निराकरण के लिए ये बनाया गया था बाण सागर समझौता। ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र के ताप विद्युत गृहों को दिया जाता रहा जिससे बिहार को जल की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाई। ठीक है दोस्तों, जो सिंगरौली है वो एमपी में पड़ता है, वहाँ ताप विद्युत गृह हैं, काफ़ी गृह हैं, तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो और राज्यों को नहीं मिल पाता, जिससे इसके विवाद का प्रमुख कारण है। दोस्तों अब हम बात करेंगे यमुना नदी का। तो दोस्तों यमुना नदी पांच राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आपका है हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक, सबसे पहला यमुना जल समझौता 1954 में हुआ था। ठीक, में मात्र दो राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य हुआ था। दोस्तों जो 1954 में समझौता हुआ था ना, वो केवल दो राज्यों के बीच हुआ था, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसमें हरियाणा का हिस्सा था 77% और उत्तर प्रदेश का हिस्सा था 23% निर्धारित किया गया था। ठीक, फिर 12 मई 1994 जल संसाधन मंत्रालय के प्रयास से उक्त पांच राज्यों के बीच बंटवारा हुआ। ठीक है राज्य, ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी दोस्तों वही कारण है कि हर राज्यों में देख रहे हैं आप ताप गृह बनाया जा रहा है, तो कहीं बांध बना दिया जा रहा है, इससे क्या होता है जो अगला राज्य है उसको पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। ठीक है दोस्तों, और ये तीन राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें आपका है गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। ठीक, और जो दोस्तों सरदार सरोवर बांध है इसी नदी पे बनाया गया है। ठीक, नर्मदा नदी पे, जो काफ़ी विवादास्पद रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और हमारे और दोस्तों नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।